नागपुर प्रादेशिक वन विभाग ने चंद्रपुर जिले के पडोली ऊर्जानगर में छापामार कार्रवाई कर बाघ के नवजात शावक के अंगों के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया। विभाग के अधिकारियों को बाघ शावक के अंगों की बिक्री होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसी आधार पर चंद्रपुर जिले की सावली तहसील के चीचबोड़ी ग्राम निवासी लोमेश ढोबले तथा मसाला ग्राम निवासी कालिदास रायपुरे को हिरासत में लिया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपियों ने मई 2021 के बीच सावली तहसील के चीचबोड़ी जंगल क्षेत्र से बाघ के शावक को गांव में लाकर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी तथा उसके शरीर का जतन किया। इसके बाद इस मृत शावक की बिक्री हेतु कुछ लोगों से संपर्क किया गया। इन गतिविधियों पर नागपुर वन विभाग नजर रखे हुए था और मौका मिलते ही बुट्टीबोरी वन परिक्षेत्र में आरोपियों के मृत शावक के अंगों की बिक्री का व्यवहार करने की जानकारी मिली। लेकिन आरोपी कालिदास रायपुरे ने चंद्रपुर जिले के पडोली ग्राम में ही व्यवहार करने की शर्त रखी, इसलिए नागपुर प्रादेशिक वन विभाग के अधिकारियों ने चंद्रपुर वन विभाग के वन क्षेत्रपाल अरुण गादेवार को इस जांच मामले में शामिल कर दोनों आरोपियों को बाघ शावक के अंगों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया।